स्वागत है स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षक दिवस पर आसान शब्दों में निबंध। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के ज्ञानी, एक महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक, महान वक्ता होने के साथ ही विज्ञानी हिंदू विचारक भी थे। राधाकृष्णन ने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किए थे। वह एक महान एवं आदर्श शिक्षक थे। शिक्षक दिवस शिक्षकों के सम्मान में मनाया जाता है। भारत देश में 5 सितंबर 1962 से शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूरे विश्व में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के दिन सरकार द्वारा कुछ महान शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। शिक्षक दिवस के दिन विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस दिन विद्यार्थी अपने शिक्षक को गिफ्ट, ग्रीटिंग कार्ड और सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश भेजकर शिक्षक दिवस की बधाई देते हैं। शिक्षक हमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते बल्कि हमें अच्छा इंसान बनने में मदद करते हैं। शिक्षक की मेहनत और लगन के कारण व्यक्ति का मानसिक विकास होता है। यह दिन शिक्षक और छात्रों अर्थात यूं कहे तो समाज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी दिन शिक्षकों को मान सम्मान देकर उनके काम की सराहना करते हैं। एक शिक्षक के बिना कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर आदि नहीं बन सकता है। शिक्षा का असली ज्ञान सिर्फ एक शिक्षक ही दे सकता है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि 5 सितंबर का दिन डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में ही नहीं बल्कि शिक्षकों के प्रति सम्मान और लोगों में शिक्षा के प्रति चेतना जगाने के लिए भी मनाया जाता है। ये थे शिक्षक दिवस पर आसान शब्दों में निबंध। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।